अंदाज में पहली खबर से आइए शुरुआत करते हैं। एमएनएस की तरफ से कल पूरे महाराष्ट्र में महाआरती का आयोजन। राज ठाकरे ने 4 मई तक लाउडस्पीकर उतारने का दिया है अल्टीमेटम। राज ठाकरे के बेटे भी करेंगे महाआरती। राज ठाकरे का उद्धव सरकार को अल्टीमेटम, कहा ईद के बाद लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के बाहर दोगुनी आवाज में चलाएंगे हनुमान चालीसा। औरंगाबाद में राज ठाकरे का मेगा शो, लाउडस्पीकर मामले में उद्धव सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा लाउडस्पीकर हटाने ही होंगे। राज ठाकरे ने कहा 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे तो डबल लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के बाहर पढ़ूंगा हनुमान चालीसा। राज ठाकरे ने की योगी मॉडल की तारीफ। लाउडस्पीकर मुद्दे पर कहा यूपी से उतर सकते हैं लाउडस्पीकर तो महाराष्ट्र से क्यों नहीं हटेंगे लाउडस्पीकर। रैली में राज ठाकरे ने विरोधियों पर जमकर बोला हमला, कहा 2 रैलियों से विरोधी बौखला गए हैं, महाराष्ट्र के हर जिले में रैली करूंगा। हंगामा करने वालों को राज ठाकरे की चेतावनी, का हंगामा किया तो टांग तोड़कर घर भिजवा दूंगा, याद रखना होगा हम मराठी हैं। सांसद नवदीत राणा और उनके पति की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। मुंबई सेशन कोर्ट पर जमानत पर फैसला होगा। पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे के लिए हुए रवाना। आज बर्लिन में जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ होगी मुलाकात। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात कर उन्हें संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में फंसा स्पाइस जेट का विमान, 40 यात्री घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। जैकब पोलियल ने सुप्रीम कोर्ट में टीकों की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल की थी याचिका। एसपी नेता आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आजम खान की तरफ से कोर्ट में पैरवी करेंगे कपिल सिब्बल। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग केस में एनसीबी ने की छठवीं गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में शामिल था आरोपी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बना सकते हैं नई पार्टी। आज नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं प्रशांत किशोर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को उद्यमी बनाने के लिए फूड प्रोसेसिंग की 375 इकाइयां होंगी स्थापित। यूपी में बीजेपी संगठन में जल्द होंगे बदलाव। बीजेपी नेताओं की संगठन में पदाधिकारी बनने की दौड़ जारी। 2024 से पहले संगठन में समायोजन के लिए तैयार हो गई है जमीन। यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस। हाईकमान बना रहा है नई रणनीति। इस दिशा में गंभीरता से मंथन हो रहा है। देवबंद के दारुल उलूम से गिरफ्तार छात्र को लेकर यूपी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश का बयान। दारुल उलूम में पढ़ने वाले छात्र पहले से ही देश विरोधी गतिविधियों में रहे हैं शामिल। दरभंगा में नमाज और इफ्तार पार्टी के वायरल वीडियो पर सियासी बवाल। LNMU का बताया जा रहा है मामला। JDU के आयोजन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। रजिस्ट्रार ने वीडियो से पल्ला झाड़ा। बिजली की किल्लत से किसान भी परेशान। फसलों की सिंचाई में हो रही है दिक्कत। पैदावार पर असर पड़ने का भी आशंका। जमशेदपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सांसद के लापता होने का पोस्टर लगा दिया है। सांसद विद्युत भरण महतो को खोजने पर 501 रुपये इनाम का ऐलान किया। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की सोनिया गांधी के साथ हुई मुलाकात। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। दरभंगा पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने निर्माणाधीन पुल के स्ट्रक्चर गिरने पर दिया बयान, कहा दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई। परियोजना को बताया सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा। भागलपुर में पुल टूटने की खबर को लेकर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बयान, कहा पुल नहीं टूटा है, लोग बेकार की अफवाह न उड़ाएं। मंत्री ने कहा पूरे मामले की जांच होगी। तेज प्रताप यादव ने निकाली जनशक्ति यात्रा। पटना से बिहटा तक यात्री यात्रा पर निकले तेज प्रताप। छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले निकाली यात्रा। लघु सिंचाई विभाग के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 5 साल पूरा करेगी। NDA सरकार पर कोई खतरा नहीं। बोकारो में स्कूटी में आग लगने से मची अफरा तफरी। BSTT थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 का है मामला। धो धोकर जल गई स्कूटी। स्कूटी में आग लगने से बैटरी में ब्लास्ट हुआ। गोड्डा में 11,000 वोल्ट के तार से निकली चिंगारी से लगी आग। कई पेड़ जलकर खाक। बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खूंटी के बाजार टांड स्थित एक चप्पल दुकान में अचानक लगी आग। पूरी दुकान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। मुजफ्फरपुर में आग ने जमकर कहर बरपाया है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र में कई दुकानें अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोपालगंज में चलती कार में लगी आग। नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मोड़ पर हादसा हुआ। कार सवार 2 लोगों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश में रतलाम की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। भारी नुकसान की आशंका। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
गया में सेंट्रल जेल की दीवार से फेंका गया न्यू ब्रांडेड मोबाइल। जेल प्रशासन की सतर्कता से बरामद हुए 4 मोबाइल फोन और एक चार्जर। एमपी के सतना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक सुशील कुमार मिश्रा के घर ईओडब्ल्यू का छापा। 7 एकड़ के फार्म हाउस समेत अब तक करोड़ों की संपत्ति बरामद। सीवान के महराजगंज में कई अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापेमारी की गई। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। देवघर में श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना में बड़ा घोटाला। श्रमिक कार्ड के जरिए मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि की आधी रकम भी श्रमिक मित्र को करनी पड़ती है अदा। एक साथ दो पद पर काम करने का भी खुलासा हुआ। भागलपुर के बीडीओ को मिली जान से मारने की धमकी। बीडीओ ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। समस्तीपुर में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में गोलीबारी हुई। एक बच्ची समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरायरंजन थाना क्षेत्र के वरुणा रसलपुर वार्ड 2 का मामला। लखीसराय में बेखौफ बदमाशों ने दो युवकों को गोली मारी। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर में पुलिस का दागदार चेहरा आया सामने। मामला कोइलवर थाना क्षेत्र का है जहां एक होमगार्ड का ट्रक चालक वसूली का वीडियो आया सामने। पुलिस अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बांका जिले के धुरैया में एक माता पिता का बेरहम चेहरा आया सामने। दोनों ने दूसरी शादी कर ली। नाबालिग पुत्री को भटकने के लिए छोड़ दिया। धुरैया पुलिस ने चाइल्ड लाइन के हवाले किया। धनबाद जिले के झरिया दामोदर नदी में नहाने गए एक छात्र की नदी में डूबने से मौत हो गई। गौशाली ओपी और मान स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। 4 छात्र स्नान करने के लिए गए थे। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर में एक पपीते के पेड़ के विवाद में भतीजे ने चाची की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के परिवार वालों से पूछताछ की। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाभी ने देवर को लाठी डंडे से पीटा। तेघरा थाना क्षेत्र का मामला। बेतिया में बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। मझोलिया के सरिस्वा गांव की घटना। घर में खुशी का माहौल, मातम में बदला। बेतिया में दो पक्षों में जमकर हुई चाकूबाजी। 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बेतिया जीएमसीएच में भर्ती किया गया। जांच में जुटी है पुलिस। जमुई के खैरा बोर्ड के पास स्पोर्ट वाहन और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित कार ने करीब 2 दर्जन लोगों को रौंद डाला। हादसे में कई लोग घायल हो गए। घटना सरैया थाना क्षेत्र के बखरा वैशाली सड़क मार्ग की। जमुई के खैरा मोड़ के पास स्पोर्ट वाहन और ऑटो के बीच टक्कर। हादसे में 6-9 लोग घायल हो गए। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। लातेहार रेलवे स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस के इंजन में फंसा युवक। युवक की मौत। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। अरवल के सवजपुरा गांव में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया मिस्त्री। अस्पताल ले जाते हुए तोड़ा दम। सहरसा में गिट्टी से भरे ट्रैक्टर में छिपाकर लाई जा रही थी विदेशी शराब। मद्य निषेध की पटना इकाई की टीम ने बख्तियारपुर थाना पुलिस के सहयोग से जब्त किया। रांची समेत देशभर में कल मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। ईद को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में किया गया फ्लैग मार्च। बांका जिले के बेलहर में ईद को लेकर प्रशासन की ओर से निकाली गई फ्लैग मार्च। बेलहर एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह के नेतृत्व में निकाली गई फ्लैग मार्च। मसौड़ी में ईद को लेकर तैयारी। पुरानी बाजार मस्जिद के पास दोनों समुदाय के लोग दिखे और उन्होंने अनोखी मिसाल दिखाई। मुस्लिम भाइयों के साथ हिंदू भाइयों ने की ईदगाह की साफ सफाई। भागलपुर में ईद पर्व को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। विभिन्न चौक चौराहा होते हुए तिलका मांझी में समाप्त। नीति आयोग ने देश में आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन के आधार पर जारी किया डेल्टा रैंकिंग। झारखंड की उपराजधानी दुमका को स्वास्थ्य पोषण शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की वजह से मिला है पहला स्थान। LNMU थाने से 3 अधिकारियों के सेवानिवृत्ति पर विदाई कार्यक्रम। भावुक हुए सहकर्मी। रिटायर्ड अधिकारियों को मिथिला की पाक चादर से सम्मानित किया गया। कैमूर पहुंचे बिहार में पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने नल से जल नहीं मिलने की ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों को फटकार लगाई। 7 दिनों के अंदर नल जल सेवा शुरू कराने का दिया निर्देश। लातेहार के महुआ डांड प्रखंड में शुद्ध पेयजल की किल्लत। गांव में चापा नल तो है, खराब रहने से ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है पानी। बांका जिले के कई इलाकों में जमकर हुई ओलावृष्टि। कटोरिया चांदन बेलहर में आंधी बरसात से तबाही मची। अरवल में मजदूर दिवस के मौके पर सीपीआई माले विधायक महानंद सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। धनबाद के श्रमिक चौक पर कोयला मजदूरों और यूनियन नेताओं ने श्रमिक चौक पर मजदूर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देवघर में पर्स की छिनतई करते हुए 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार।
तिलका मांझी चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, मनाली चौक का जल्द होगा सौंदर्यीकरण। भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कामकाज में तेजी आएगी। गोपालगंज में ईद को लेकर मार्केट में बढ़ी रौनक, खरीदारी में जुटे रोजेदार। हज यात्रा 2022 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर राजधानी रांची में निकाली गई ऑनलाइन लॉटरी, राज्य 1615 लोगों ने आवेदन किया था। ईद को लेकर राजधानी रांची समेत देशभर में लोगों में उत्साह, लंबे समय बाद मस्जिदों और ईदगाहों पर नमाज पढ़ने की मिली इजाजत। रांची समेत राज्य भर में ईद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील जगहों पर सफेद लिबास में पुलिसकर्मी तैनात। जहानाबाद में ईद में अफवाह फैलाने और कानून को हाथ में लेने वालों पर सख्त होगी पुलिस, 86 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस वालों की तैनाती। ईद को लेकर रांची में उत्साह का माहौल, लंबे इंतजार के बाद मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़े जाने की अनुमति। रांची नगर निगम की ओर से 40 से ज्यादा सिटी बसों का परिचालन होगा, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। सहारनपुर में खनन कारोबारी और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 21 करोड़ की बेनामी संपत्ति सीज, अपने नौकर नसीम के नाम पर ले रखी थी बेनामी संपत्ति। प्रतापगढ़ में 5-5 लाख के इनामी एसपी नेता सभापति यादव और सुभाष यादव की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के शामली में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल, छत पर चढ़कर पड़ोसियों पर पत्थर फेंकते दिखे ग्रामीण। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर लोगों का प्रदर्शन जारी, हजारों की संख्या में जनता सड़कों पर उतरी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े। चीन के चांगशा शहर में बहुमंजिला इमारत गिरने से कई लोग फंसे, 39 लोग लापता, राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिए जांच के आदेश। टर्की में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों ने निकाला विरोध मार्च, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ हिंसक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में महंगाई के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। जर्मनी में मजदूर दिवस के मौके पर चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने देश को किया संबोधित, लोगों ने स्कॉल्स के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूरोपीय देश ग्रीस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सड़कों पर उतरे लोग, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देश में बढ़ रही है खाने पीने की सामान की कीमत। तालिबान शासन 20 साल में पहली ईद मनाएगा अफगानिस्तान, तालिबान सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंदी ने लोगों को दी ईद की शुभकामनाएं। नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बढ़ाया मदद का हाथ, 8 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 68वां दिन, रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फिर लॉन्च की मिसाइलें, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। डोनेट्स्क में रूस समर्थित अलगाववादियों का बड़ा हमला, डीपीआर के इलाकों को और लड़ाकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रूसी सेना का ओडिशा में हवाई हमला करने का दावा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कीव का दौरा किया, यूक्रेन को किया समर्थन, कहा जब तक युद्ध नहीं जीता जाता हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। मारियोपोल अजवत्सल के युद्ध प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया पहले बैच में सुरक्षित निकाले गए 100। मारियोपोल में रूसी सेना के टैंक का बड़ा हमला, रिहायशी इमारत पर टैंक ने किया हमला। रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों को अब बड़ा दावा, चेचन लड़ाकों के चीफ रमजान कादिरोव ने कहा यूक्रेन के पोपस नया शहर को जल्द यूक्रेनी कब्जे से करेंगे आजाद। यूक्रेन के अजोवत्सल स्टील प्लांट पर मिसाइल हमले के बाद अजोवत्सल पहुंची रूसी सेना की टुकड़ी, स्टील प्लांट के अंदर का वीडियो आया सामने। आईपीएल 2022 के 46वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से हरा दिया, चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का शानदार फॉर्म जारी, अब तक खेले 10 में से 7 मैच जीते, रविवार को हुए दूसरे मुकाबले में दिल्ली की टीम को मात। गजब की फॉर्म में है क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, इंग्लैंड में बैक टू बैक लगाया 30वां शतक, काउंटी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने भारत के लिए जीता ब्रॉन्ज मेडल, सेमीफाइनल में जापान की खिलाड़ी से हारी। विराट ने रोमांटिक पोस्ट शेयर कर अनुष्का को किया बर्थडे विश, लिखा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या हूं, विराट ने कई तस्वीरें भी शेयर की। अपकमिंग फिल्म अपने 2 की शूटिंग में जुटे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, फिल्म की शूटिंग के दौरान मसल खींचने से हुए बीमार, अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। फिल्म को प्रमोट करने का आमिर खान, करीना कपूर ने निकाला नया तरीका, लोगों को दिया फेदर चैलेंज, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।